बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र ने बड़ा फैसला लिया। सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। पीएम केयर्स फंड से ये 551 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। ऑक्सीजन प्लांट्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तर पर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार इस बीमारी से और इस बीमारी के चलते होने वाली परेशानियों और चुनौतियों को देखते हुए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और अब एक और बड़ा कदम उठाया गया जिसमें कि पीएम मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट्स जल्द से जल्द शुरू करने की कवायद का इशारा किया। दरअसल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र का यह बड़ा फैसला अब अमल में लाया जाएगा, जहां सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड से ये 551 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जाएंगे। बड़े शहरों में ऑक्सीजन के सप्लाई की आपूर्ति करने के लिए उनके आसपास के क्षेत्रों में इन्हें लगाया जाना चिन्हित किया गया है। बहरहाल कहां पर कितने प्लांट्स लगाए जाएंगे, यूपी में कितने प्लांट्स लगेंगे और दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या और व्यवस्थाएं किस तरह से रहेंगी, इन सब पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और अपडेट आप तक हम इस पूरे मामले को लेकर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे और आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के तूफान ने देश को झकझोर कर रख दिया है, कोरोना हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर फैल रही अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है, मुफ्त वैक्सीन का कार्यक्रम जारी रहेगा। पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की, कहा फ्रंटलाइन वर्कर्स भगवान की तरह काम कर रहे हैं। आज आपसे मन की बात एक ऐसे समय कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत से डॉक्टर खुद भी ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कई डॉक्टर्स सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं, फोन पर, व्हाट्सएप पर भी काउंसलिंग कर रहे हैं। कई हॉस्पिटल की वेबसाइटें हैं जहां जानकारियां भी उपलब्ध हैं और वहां आप डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। ये बहुत सराहनीय है।